हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेरित जानकारी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले ASUS TUF Dash F15 2021 एडिशन के एक 15.6 इंच फुल एचडी लैपटॉप के बारे में, जिसे एट प्रेजेंट आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अमेजन फॉर 93,800 रुपीज़ ओनली। अब आते हैं इसकी फीचर्स पर फीचर्स पर आने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कई लोग ऑनलाइन लैपटॉप्स वगैरह प्रेफर नहीं करते खरीदना, बट ऑनलाइन परचेज करना एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन काफ़ी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्यों, इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी, क्या क्या यूज़ है इसको, ये भी आपको पता चल जाएगा, और ये भी बताऊंगा कि अमेज़न से परचेज करना क्यों आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आते हैं इसकी फीचर्स पर। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिल रही है इंटेल कोर i5 11th जनरेशन 11300H प्रोसेसर विथ स्पीड अप टू 4.4 GHz। इसके साथ ही इसकी मेमोरी एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको रैम मिल रही है ऑफ 16 GB, एंड स्टोरेज के लिए इसमें 1 TB की SSD प्रोवाइडेड है। डिस्प्ले इसमें आपको मिल रही है 15.6 inches विद फुल HD रिजोल्यूशन, डैट इज़ 1920x2080 pixels, और इसके साथ ही इसमें आपको RTX 3050 Ti 4GB ग्राफिक्स भी प्रोवाइडेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको प्री इंस्टॉल मिल रहा है विंडोज 10, और साथ ही ऑफिस भी आपको पहले से इंस्टॉल मिलेगा। ओवरऑल आप इस लैपटॉप को किसी भी टास्क के लिए ले सकते हो। नॉर्मल टास्क तो आराम से हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूट्यूब, ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लास, कोडिंग वगैरह, ये सब तो बेसिक कोई भी लैपटॉप पे हो जाता है। इसके साथ ही आप इसे स्पेशली गेमिंग के लिए भी ले सकते हो। स्पेशली गेमिंग मीन्स आप गेमिंग स्ट्रीम करने के लिए भी ले सकते हो, दिन भर गेमिंग करने के लिए भी ले सकते हो, और GTA 5 जैसी गेम्स, हाई कॉन्फ़िगरेशन गेम्स वगैरह भी इस पर बहुत ही स्मूथली रन करता है, तो वो सब के पर्पज़ से भी आप इसे आराम से ले सकते हो। इसके साथ ही वीडियो एडिटिंग भी इस पर बहुत अच्छे से हो जाता है, वीडियो एडिटिंग के पर्पज़ से भी आप इसे स्पेशली ले सकते हो। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसमें वीडियो एडिटिंग का, तो वीडियो एडिटिंग के पर्पज़ से भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी ये कस्टमाइज्ड है। सो लास्टली अब मैं आता हूँ कि किस कारण से, मीन्स क्यों आपको ऑनलाइन परचेज करना चाहिए इस लैपटॉप को। तो मान लो कि आप इस लैपटॉप को परचेज करते हो ऑफलाइन किसी स्टोर से, और घर आकर आपको पता चलता है कुछ प्रॉब्लम है, मे बी कोई कीज़ काम नहीं कर रहा है कीबोर्ड का, या फिर डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम है, ये घर आके आपको पता चल जाता है। तो इन सच केस आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, डैट इज़ क्लेमिंग द वारंटी, और वारंटी क्लेम करने के बाद ही आपको कुछ सोल्यूशन मिलता है। बट अगर आप अमेज़न से परचेज़ करते हो तो इस प्रोडक्ट पे आपको 7 डेज़ रिप्लेसमेंट मिल रहा है, तो 7 डेज़ रिप्लेसमेंट होने की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हो, और वो मीन्स आपको खुद से कुछ नहीं करना है, वो आके पिकअप कर लेगा घर से, और आपके घर में नया लैपटॉप आ जाएगा इसी मॉडल का, या फिर आपने दूसरा चूज़ किया होगा तो दूसरा आ जाएगा। और किसी कारण से अगर रिप्लेसमेंट की ऑप्शन नहीं होती है, रिप्लेस नहीं हो पाता है, मे बी आउट ऑफ स्टॉक के कारण या किसी भी कारण से, तो आपको वो फुल अमाउंट रिफंड कर देता है आपके चॉइस के पेमेंट मेथड पर, या फिर आप जिस मेथड से आपने पेमेंट किया हो, या फिर कैश ऑन डिलीवरी अगर आपने किया है तो वो आपके अकाउंट में आप पैसे आने के ऑप्शन आती है। तो ये सब फीचर है आपको अमेज़न से परचेज करने का, और अमेज़न की सर्विस तो बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप चाहें तो आप आराम से अमेज़न से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कुछ सवालों के कमेंट करें, और लगातार ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।